बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बगलामुखी माता की जय, अपने अपने गुरुजी महाराज की जय। 15 दुकान छोड़कर आपकी दुकान पर आएगा ग्राहक। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा उपाय। अगर आप चाहते हैं आपकी दुकान पर हमेशा ग्राहक आते रहें और आपका दुकान हमेशा अच्छा चलता रहे, तो आपको आज का एपिसोड जरूर देखना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने वाला हूं जिसको करने के बाद आपकी दुकान कभी ग्राहकों से खाली नहीं रहेगी। मेरे साथ सभी भक्त मिलकर श्री कृष्ण भगवान जी का जयकारा लगाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, यह उपाय आपने लगातार 9 शुक्रवार करना है और 9 शुक्रवार इस उपाय को करने के दौरान ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। चाहे आपकी दुकान में किसी भी वजह से ग्राहक नहीं आते, इस उपाय को करने के बाद वो सारी वजह समाप्त हो जाएंगी, दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए उपाय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से विनती है, एपिसोड को शेयर जरूर करें। प्यारे बंधुजनों, आपने शुक्रवार की सुबह अपनी दुकान पर गाय के देसी घी, जी हां, जो गाय का शुद्ध देसी घी है, लगभग 850-850 रुपए इस समय शुद्ध देसी घी का मूल्य है, उस घी का आपने एक दीपक, मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें रुई की बाती बनाकर देसी घी डालकर उस दीपक को दुकान के मंदिर में जलाना है। इस दीपक के अंदर आपने छोटी लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है छोटी, 2 लौंग इस दीपक के अंदर आपने ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए डाल देनी है। इसी तरह लगातार 9 शुक्रवार यह कार्य आपने करना है। घी का दीपक जलाना है, उस दीपक के अंदर 2 लौंग डालनी है। प्यारे बंधुजनों, आप सभी को पता होना चाहिए, हमारे हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ, कोई तंत्र मंत्र, कोई किया कराया, वहां पर लौंग का बहुत महत्व होता है। दीपक के अंदर लौंग डालने से आपकी दुकान पर माता भगवती की कृपा होती है और दुकान पर जो समस्त किया कराया, तांत्रिक बाधा, टोना टोटका का कोई दोष है, वो सभी दोष समाप्त होते हैं और 15 दुकान छोड़कर ग्राहक आपकी दुकान पर आएगा, आपकी दुकान से ग्राहक सामान लेकर जाएगा। जय माता की। ओम नमः शिवाय।